हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे सीसीटीयू पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस चैनल पे मैं आप लोगों को आपके लोगों के साथ 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ फिर से एक बार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें यह भी समझ में आएगा कि एसएससी का पैटर्न क्या चल रहा है। तो हम 50 क्वेश्चन को जो डिस्कस कराएंगे, इसको साथ साथ में आपको भी करते चलना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका इस समय लेवल क्या है एसएससी के हिसाब से, क्या आप एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं, या फिर अभी आपको और भी जरूरत है। तो हम देखते हैं इस 25 क्वेश्चन की सीरीज को। तो ये आपका एसएससी सीपीओ 2020 का टायर वन का प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि आफ्टरनून शिफ्ट का है और 23 अक्टूबर का है। तो सबसे पहले जल्दी से आ जाइए, आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग। कौन कौन है लाइव, जल्दी से लाइव आइए। गुड आफ्टरनून सुंदरम, गुड आफ्टरनून डॉली। चलिए शुरू करते हैं 25 क्वेश्चन की सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आर्सेनिक। ये तो केमिस्ट्री का आसान क्वेश्चन है, आई होप कि सब लोग आप लोग गेस कर पाएंगे इसे आसानी से। तो आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? यहां पे सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, जिसका एटॉमिक नंबर है 33। तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 है, यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। एक आसान क्वेश्चन केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जब मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा तो आपको पूरी बुक की लिस्ट दूंगा, जो कि याद करने पे आपका इससे रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी किताबें हैं वो सब आपको याद हो जाने के बाद आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? हेलो अभिषेक। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। तो इन जिनका की शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा योगदान रहा है, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं अबुल कलाम आजाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूप। अब यहां पे आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन हो गया एक तरह से देखा जाए तो, और यहां पे चाहे वो स्तूप की बात करें चाहे मंदिर की, हर स्ट्रक्चर का अलग अलग नाम होता है। तो अब ये पूछा गया है कि जो बौद्ध जो स्तूप होते हैं उसमें से इसमें कौन सा टर्म एसोसिएटेड है। तो अगर कभी स्तूप आपने देखा होगा, सांची स्तूप या फिर कहीं भी डायग्राम में, तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होता है, ये स्तूप होता है और इस तरह की स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है होता है, ये जो स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर होता है इसे बोला जाता है हर्मिका। तो बुद्धिस्ट स्तूप से रिलेटेड कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, हर्मिका। तो स्तूप में जो इस तरह की स्ट्रक्चर होता है यहां आपको हर्मिका हो जाता है। और गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह सब मंदिरों के लिए यूज किया जाता है, जहां पे मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। और यहां पे मंडप क्या होता है? मंडपम, जैसे कि अगर आपने देखा होगा जैसे कोई शिव भगवान की कोई मंदिर है उसके सामने नंदी भी रखे जाते हैं, तो नंदी का जो स्थान है जहां पर रखे जाते हैं वो आपका मंडपम हो जाता है। गोपुरम क्या होता है? तो साउथ इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर होते जो द्रविड़ियन स्टाइल में बनाए जाते हैं, तो उस मंदिर का जो गेट होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। तो यहां पे एक तरह से देखा जाए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये चार अलग अलग चीजें आपको पता चल गई। हर्मिका किससे रिलेटेड है? स्तूप। गोपुरम मंदिर का जो एंट्रेंस गेट होता है वो आपका गोपुरम हो जाता है। गर्भगृह, गर्भगृह क्या होता है? जहां पे भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। और मंडपम, जो गर्भगृह के सामने की जो जगह होती है जहां पे जैसे कि नंदी का जो नाम मैंने लिया वो क्या हो जाएगा आपका, मंडपम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विथ विच स्पोर्ट डू यू एसोसिएट द नेम ऑफ कोनेरू हम्पी। तो कोनेरू हम्पी का नाम शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने न सुना हो। तो विश्व की पहली ऐसी महिला है जो सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली है। इस 15 साल की उम्र में इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। ये किससे रिलेटेड है? ग्रैंड मास्टर सब किससे रिलेटेड है? ते हो जाएगा आंसर आपका चेस। ये सबसे विश्व की सबसे कम उम्र की, मात्र 15 साल में इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। तो ग्रैंड मास्टर सब किसके लिए यूज किया जाता है? ये चेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फार्थेस्ट फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया।
यहाँ पे बात की जा रही है क्वेश्चन में। अब इसको सबसे पहले आंसर ये, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में दिए ही जाते हैं छोड़ने के लिए, तो पूछने का तरीका यही होता है। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया गया, सबसे पहले बात की गई मेनलैंड ऑफ इंडिया। जब इंडिया की हम बात करेंगे, यहां पे दो चीज होता है, एक मेनलैंड और एक आइलैंड। आइलैंड की बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। जब मेनलैंड की बात करेंगे, तीन दोनों को हटा देंगे, तो ये आपका मेनलैंड हो जाएगा। तो जब हम मेनलैंड की बात करें, तो यहां पे मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। अब यहां से ये पूछ रहा है कि यहां से सबसे दूर पॉइंट कौन सा है, ये नॉर्थ से नहीं पूछ रहा है, साउथ से सबसे दूर पॉइंट कौन सा है। तो यहां पे आपका सबसे पहले कुडाई कैनाल तमिलनाडु, ये नांदेड़, ये आपका महाराष्ट्र पड़ेगा कुछ इस जगह पे, हिल स्टेशन। यहां पे भी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहां पे जाने के लिए भी टॉय ट्रेन का यूज किया जाता है, जैसे शिमला के लिए टॉय ट्रेन, वैसे यहां के लिए भी टॉय ट्रेन। वारंगल तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना थोड़ा नीचे पड़ जाएगा, तमिलनाडु यहां पड़ जाएगा, और बेंगलुरु की बात करें तो कर्नाटका। तो यहां पे सदर्न मोस्ट से, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी से अगर देखा जाए, तो यहां सबसे दूर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, नांदेड़। तो यहां पे आपका आंसर नांदेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्जीक्यूट 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, देन इट्स फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। यहां पे बस एक चीज, अभी यहां पर आप जानते रहिए कि 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड इक्वल टू 1 हर्ट्ज के होता है। तो अब किलो हर्ट्ज की बात की जा रही है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर 0.01 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट लाई ऑन द पार्ट ऑफ पाथ ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा नदी के किनारे पर, इसमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर नहीं है, कौन सा रिवर नहीं है, कौन सा शहर गंगा नदी किनारे पर नहीं है, जल्दी से आंसर करिए इसका। कानपुर, कानपुर किसके किनारे पर है, गंगा। पटना किसके किनारे पर है, गंगा नदी किनारे पर। प्रयागराज सभी को पता है, गंगा किनारे पर। तो एक तरह से ये तीन हो गया, इसका मतलब इलिमिनेट हो गया आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लखनऊ। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है, न कि गंगा नदी किनारे पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी बराबती स्पोर्ट स्टेडियम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। ये वो स्टेडियम है जहां पे आईपीएल के कई मैच खेले जाते हैं, इंटरनेशनल मैच भी खेले जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कटक। ये कटक वाली जगह पे है, तो कटक कहां पड़ता है, चलिए आंसर करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम उड़ीसा में, काफी फेमस स्टेडियम है जो कि उड़ीसा में है, कटक में। नेक्स्ट, आयरन नेल बिकम क्या बन जाएगा, जब इसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाएगा। जैसे कोई कील है जो हम दीवार पे लगाते हैं, उसको अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाए उस कील को, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, आंसर बताइए जल्दी से इसका। इसका आंसर हो जाएगा सही, ब्राउनिश कलर हो जाएगा। सही कल्याण, आपने उड़ीसा सही आंसर दिया, ठीक। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण वॉज फॉन्डली नोन एज, ये तो सभी को पता है, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, लोक नायक। ये वही व्यक्ति हैं जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, नेशनल इमरजेंसी उनकी राज में लगा था, तो उसका जमकर विरोध करने वाले लोकनायक थे, जो क्या कहे जाते हैं, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के नाम पे एक एयरपोर्ट भी है, तो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहां पे है, जल्दी आंसर करिए इसका कमेंट बॉक्स में। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहां पे है,
जल्दी इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उद्यम अभिलाषा इज अ नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग इज इन 2018। तो 2018 में उद्यम अभिलाषा निम्न में से किसके द्वारा किया गया एक राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता जागरूकता अभियान है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे क्या करंट अफेयर का काफी पुराना क्वेश्चन हो गया है। आंसर क्या इसका? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका सही आंसर हो जाएगा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी ने ये शुरू किया था उद्यम अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैराज डैम इज क्लोजेस्ट टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। यहां पे ये पूछा जा रहा है कौन सा बैराज बांध जो भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक है। यहां पे डैम तो सभी को पता है, बैराज ये डैम से कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटे होते हैं, होते ये भी डैम ही है, तो बैराज को आप डैम बोल सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि गंगा नदी पर है वेस्ट बंगाल में। थैंक यू मैम। यहां पे आपका सही जवाब हो जाएगा फरक्का बैराज, ये डैम ही है, बस वर्ड इसका बैराज यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहां पे फरक्का बैराज, यहां पे सही आंसर हो जाएगा जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, फरक्का ट्रेन भी चलती है। ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में बताई जाएंगी कि किस रिवर पे कौन सा डैम है, फरक्का बैराज कहां है, ये सारी चीजें सारी ज्योग्राफी में आपकी कवर कराई जाएंगी। नेक्स्ट, द बुक द लाइफ डिवाइन वॉज रिटेन बाई, हर एग्जाम में बुक से दो क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, तो किताब से क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। कुछ सेक्शन अभी हम आखिरी में डिवाइड करेंगे कि क्या क्या चीजों पे आपको मेन फोकस करना है, जो अभी मैं इतने क्वेश्चन डिस्कशन में जो चीज समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, श्री अरबिंदो। इसका सही जवाब होगा श्री अरबिंदो, इन्होंने ही लिखा था द लाइफ डिवाइन, जो कि स्पिरिचुअलिटी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज फॉर्म इन ईयर 2000। बहुत कॉमन क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, घुमा फिरा कर यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ईयर 2000 में कितने स्टेट बने, स्टेब्लिश किए गए थे तीन राज्य, उत्तर प्रदेश को अलग किया गया, बिहार को अलग किया गया और मध्य प्रदेश को अलग किया गया। तो इन तीनों राज्यों से अलग अलग करके एक बना दिया गया, तीन अलग राज्य बना दिए गए। एक तो हो गया आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जो कि उत्तरांचल नाम से बनाया गया था उत्तराखंड को, तो 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यहां पे तीसरा स्टेट कौन सा है जल्दी बताइए, तीसरा स्टेट क्या था, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार से कौन सा अलग हुआ था, झारखंड। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी बन सकता है कि सन 2000 में निम्नलिखित में से किस स्टेट का गठन नहीं हुआ था। तो अगर आपको ये तीन स्टेट पता होगा तो आप आराम से आंसर इलिमिनेट कर सकते हैं। यहां पे 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल जो कि अब उत्तराखंड है, और 15 नवंबर लगभग 2 हफ्ते में सारे तीन राज्य बना दिए गए, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीन स्टेट का गठन किया गया सन 2000 में। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड, जो कि बनाया कब बनाया गया था, 9 नवंबर सन 2000 को। बहुत बढ़िया जितेंद्र, बहुत बढ़िया कल्याण, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन जो कि हर कोई गेस करके ही यहां से आंसर निकाल सकता है, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इज अकॉर्डेड बाय दी। तो राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, गेस करिए, आई होप सब लोग गेस कर लेंगे इसको आसानी से। हाँ, तेलंगाना 2014 में बनाया गया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस,
ये सही आंसर इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन, सागरमाथा इज द नेपाली नेम फॉर। तो सागरमाथा किस चीज का नेपाली नेम है? तो सागरमाथा का मतलब क्या हुआ? गॉडेस ऑफ स्काई, गॉडेस ऑफ स्काई। सागरमाथा को इंग्लिश में गॉडेस ऑफ स्काई बोलेंगे, मतलब आसमान की देवी। तो सागरमाथा किसका नाम है? जल्दी बताइए आंसर। माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक, चाहे किसी भी रेंज का देखें, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, जो कि सागरमाथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, जिसकी हाइट आप लोग बताइए इसकी हाइट कितनी है? 8850 मीटर इसकी हाइट है। अब इसका आंसर आप लोग बताइए, ये हिमालय के किस रेंज में है? ग्रेटर हिमालय, लेशर हिमालय या शिवालिक? ये माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस रेंज में है? ग्रेटर हिमालय, लेशर हिमालय और शिवालिक? ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिए। तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, जिसे कि सागरमाथा के नाम जाना जाता है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फ्रेज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वॉज फर्स्ट पॉइंट इन। इस तरह की चीजें वहीं पे की जाएंगी जिसको ज्यादा इधर उधर से मतलब ना हो। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका इंडिया के साथ ही ज्यादातर रिलेशन है, बाहरी कंट्रीज नहीं है? और रिसेंटली अभी उसने, अभी करंट में न्यूज में था कि ऐसा देश जिसने इसराइल से अभी अभी संबंध स्थापित किए हैं, तो ऐसा कौन सी कंट्री है? जल्दी से आंसर करिए, यहां पे वही सही आंसर होगा आपका। हाँ, इस तरह के न्यू अपडेट आते रहते हैं, ठीक है? नहीं, 8848.96, ये ऐसा कोई ऑफिशियल डाटा नहीं रहता, इस तरह की चीजें वेरी करती रहती हैं, ठीक है? तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका भूटान। माउंट एवरेस्ट को लेकर जब तक कोई ऑफिशियल डाटा अपडेट नहीं होता, ठीक है, आपके एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि पूछ लिया जाएगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होती है और आपको आंसर दे दिया 8848, 8850, 8852। इस तरह का आंसर कभी नहीं दिया जाता एग्जाम में। तो यहां पे वो चीज, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो चीज बोनस में चला जाएगा, ठीक है? यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका भूटान। तो भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस टर्म को लाया था। इस कंट्री ने अभी अभी इसराइल से अपनी रिलेशन स्थापित करने की बात की है। इस कंट्री के देखभाल पूरी, यहां तक इसकी फॉरेन सिक्योरिटी को भी इंडिया ही देखता है। नेक्स्ट एक चीज, एक क्वेश्चन और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, डोकलाम जो इशू था वो किसका डिस्प्यूट था? वो इंडिया चाइना या इंडिया बांग्लादेश या चाइना भूटान? अब इसका आंसर करिए जल्दी से कि डोकलाम इशू किसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द नाइट ऑफ, मतलब किस तारीख को 1975 में इंदिरा गांधी रिकमेंडेड द इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। तो 1975 की रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सिफारिश की, वो कौन सा दिन था? इमरजेंसी को हम बहुत डिटेल में करेंगे, इमरजेंसी का जो संविधान का पार्ट है, इमरजेंसी को चाहे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, नेशनल इमरजेंसी की बात करें या फिर प्रेसिडेंट रूल की बात करें, जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, तो वहां पे उस समय हम डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी किस कंडीशन में लगाया जा सकता है, कब तक लगाया जा सकता है, क्या क्या कंडीशन है, किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो कब लगाया गया था 1975 में? ये टोटल 21 महीने के लिए लगाया गया था नेशनल इमरजेंसी। एक क्वेश्चन यहां से यह भी बनेगा कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के दौरान, जब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? यहां पे इस चीज को आप ध्यान रखना, फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहां पे जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था कब से कब तक? 22 मई नहीं, यहां पे सही आंसर होगा 25 जून, 25 जून से लेकर 21 मार्च, 25 जून 1975 से लेकर 1977। तो 21 महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपातकाल है, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पे लगाया गया था
1975 में। आधार क्या था? तो इस समय आधार था इंटरनल डिस्टरबेंस। तो जो आधार था, क्वेश्चन एग्जाम कई बार पूछा गया था, नेशनल इमरजेंसी जो 1975 को लगाया गया था वो किस आधार पर लगाया गया था? ऑप्शन दे देंगे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिवेलियन या इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस। तो इंटरनल डिस्टरबेंस की हमारी संविधान में कोई भी डिफिनेशन नहीं है किसका मतलब क्या है। तो इस वर्ड का एक तरह से मिसयूज किया गया था 1975 की इमरजेंसी में। इस वजह से इसको जैसे ये पार्टी गई सत्ता से, जनता पार्टी आई, तो वैसे ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस शब्द को संविधान से, नेशनल इमरजेंसी की लिस्ट से हटा दिया गया, ताकि भविष्य में फिर से कोई गवर्नमेंट आकर इस वर्ड का मिसयूज ना करे, और इसकी जगह ला दिया गया आर्म रिबेलियन। यहां पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 25th जून। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया जितेन, सही। तो अब इस चीज को भी आप ध्यान रखना, कितने समय के लिए लगाया गया था इसे, आप अलग से याद रखना। कुछ भी जब यहां से क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है तो यही क्वेश्चन घुमाकर भी आपको हो सकता है आने वाले एग्जाम में मिल जाए। यहां पर क्या हो जाएगा? 21 मंथ्स के लिए। आप इसको इस तरीके से भी याद रखना, प्रेसिडेंट कौन था यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय ऑफ इंडिया। तो पुर्तगाल का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था भारत में? यहां पे पहला पुर्तगाली कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहले पुर्तगाली वायसराय थे। हालांकि इनका कुछ खास रोल नहीं था, इन्होंने लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, लाए थे ब्लू वाटर पॉलिसी लाया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगीज ने, क्योंकि सी रूट को डिस्कवर किया था भारत का सबसे पहला। एक क्वेश्चन बताइए, भारत की खोज किसने की थी? किसी ने नहीं की थी, भारत तो पहले से खोजा हुआ था। तो भारत तक पहुंचने के लिए सी रूट की खोज किसने की थी? वो आंसर होगा आपका, आपका पुर्तगीज। तो अब यहां पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अब इन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया था, तब इनके सी रूट का फायदा कोई और क्यों उठाए, इसलिए उन्होंने उस पर चार्जेस लगाने शुरू किया। अगर आपको पुर्तगीज के द्वारा खोजे गए सी रूट यूज करना है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी। रियल का जो फाउंडर था, अगर आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द रियल पुर्तगीज वायसराय, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, तो क्या आंसर हो जाता? अल्फांसो डे अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डे अल्बुकर्क ये रियल फाउंडर माना जाता है पुर्तगीज का इंडिया में। अब इसकी बात, तो ये अल्फांसो डे अल्बुकर्क की अगर बात करें, अल्फांसो नाम से एक आम की वैरायटी भी है, तो इसी के नाम से लाया गया। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट, रामोजी फिल्म सिटी इज लोकेटेड क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो रामोजी किससे, किसके क्लोज में है? यहां पे इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिसर जरूर बनेंगे अल्मीडा। बहुत सही, सही जवाब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द हिल स्टेशन मैथरन लोकेटेड। तो मैथरन ये हिल स्टेशन कहां पे है? बहुत फेमस हिल स्टेशन, जिसका सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र। तो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट। अब सबसे पहली बात तो हमें कोरोमंडल कोस्ट ही पता होना चाहिए, कोरोमंडल कोस्ट क्या है। तो इंडिया में टोटल 7 कोस्टल प्लेन है। ये चीज मैं आपको ज्योग्राफी में डिटेल बताऊंगा, अभी आप लीजिए कोरोमंडल कोस्ट के बारे में। तो इंडिया में टोटल 7 कोस्टल प्लेन है। अगर मैं बात करूं वेस्ट साइड में, तो वेस्ट में आपका 4 कोस्टल प्लेन है और ईस्ट साइड में 3, और उसी ईस्ट साइड में जो सबसे साउथ में है, अगर ईस्ट साइड में यहां पे आपका हो गया तमिलनाडु, तो यहां पे तमिलनाडु के पास में कौन सा तट है? कोरो मंडल कोस्ट। तो क्वेश्चन, कोरोमंडल कोस्ट किससे लगा हुआ है? आपका तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग कोरोमंडल तट से जुड़ा हुआ है। अब यहीं पे कौन सा है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन यहीं पे है, और तूतीकोरिन नाम का एक मेजर सी पोर्ट भी है। इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। इन 13 मेजर पोर्ट्स में से 12 सी पोर्ट हैं और 1 रिवराइन पोर्ट। तो यहां पे तमिलनाडु में टोटल 3 मेजर सी पोर्ट हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। तो टोटल 3 मेजर सी पोर्ट हैं, इसमें तूतीकोरिन ये कौन से तट पे आ गया? तब कोरोमंडल कोस्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन। सही जवाब हो जाएगा आपका तूतीकोरिन। नेक्स्ट आते हैं, ये सारी चीजें ज्योग्राफी में आपको बताई जाएंगी जब आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, कोस्टल प्लेन और ये सब। नेक्स्ट, एज ऑफ 30 जून 2020 द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। आंसर पता होना चाहिए आपको। इसी क्वेश्चन को घुमाकर 50 तरह से पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार, अभी प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड किया गया है अभी तक। क्वेश्चन यहां पे ये पूछा जा रहा है कि अभी तक प्रीएम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसी से रिलेटेड कि प्रीएम्बल को कब अमेंड किया गया, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। प्रीएम्बल को कब अमेंड किया गया और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? जल्दी से आंसर करिए। जल्दी से आंसर करिए इसका। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था और वही लास्ट था, तब से लेकर अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कितने शब्दों को जोड़ा गया और उन शब्दों का नाम क्या था। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि इसमें से निम्नलिखित में से 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड नहीं जोड़ा गया था, इसका आंसर करिए। बहुत बढ़िया करण, बहुत बढ़िया। 42nd शिवम, बहुत बढ़िया। आकाश, बहुत बढ़िया। तो यहां पे 42nd, अब इसमें कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, कितने शब्दों को जोड़ा गया था? तीन। कौन कौन सा? सोशलिस्ट, सेकुलर और तीसरा कौन सा है, जल्दी से बताइए। तीसरा आंसर क्या होगा? तीसरा आंसर बताइए। बहुत बढ़िया करण। तीसरा तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। खैर, अब ये एक अलग डिस्कशन है कि सेकुलर वर्ड 1976 में क्यों जोड़ा गया, जब हमारे देश पहले सेकुलर था, सेकुलर वर्ड यहां पे क्यों जोड़ा गया, ये हम डिस्कशन करेंगे जब पॉलिटी की क्लास करेंगे। उस समय हम प्रीएम्बल बताऊंगा कि सेकुलर यहां पे क्यों ऐड किया गया, पहले क्यों नहीं ऐड किया गया था। और जब यहां पे भी ऐड किया गया था तो यहां पे भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे इस चीज का कि इसको ऐड करने की जरूरत क्या है, ये एक अलग डिस्कशन है। तो यहां पे आपका सही जवाब हो जाएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द अंबुबाची मेला हेल्ड एवरी ईयर। मेला ओला से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहां पे सही जवाब क्या होगा? आसाम। वैसे मैंने पहले स्टूडेंट को ये प्रोवाइड कर चुका है कि मेला और फेस्टिवल की सारी लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, उसमें यहां पे ये चीज क्लियर लिखा हुआ है, अंबाची मेला ग्रुप में पड़ा हुआ है। तो आसाम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पॉलिटी की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, और शायद जितने लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा इसका आंसर तो दे ही पाएंगे। तो जल्दी से इसका आंसर करिए सब लोग। आसाम करण, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग में यह तय था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाएगा प्रेसिडेंट, बट उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिना लीडर के चलेगी नहीं, इसलिए उनकी जगह पे किसी और को एज अ प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट बना दिया गया ताकि जो है उस समय के लिए कम से कम उस दिन की मीटिंग को चला सके, और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे तो उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो इस दिन के लिए किसको बनाया गया था, तो दिन कौन सा था, 9 दिसंबर। बहुत बढ़िया सचिदानंद सिन्हा, करण सही है, सुंदरम बिल्कुल सही। तो इस समय सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और जब सेकेंड मीटिंग हुई जिस समय वर्ल्ड माउंटेन डे मनाया जाता है 11 दिसंबर 1946 को, तो इस समय क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए, अब सचिदानंद सिन्हा का काम नहीं है, और इसलिए यहां पे बना दिया जाता है प्रेसिडेंट किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहां पे 9 दिसंबर 1946 को इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, सचिदानंद सिन्हा को। सही जवाब हो जाएगा। ये सारी चीजें पॉलिटी में आपको बताई जाएंगी शुरुआत से ही। नेक्स्ट, द फेमस केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी आर लोकेटेड इन, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहां स्थित हैं, आंसर दीजिए जल्दी इसका। यहां पे खारवेला किंग थे, हाथी गुंफा विलेख का नाम सुना होगा, हाथी गुंफा विलेख, ठीक है गरिमा बिल्कुल सही, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद बनाया गया था, सही। तो यहां पे बताइए जल्दी से, हिंट दे रहा हूं, खारवेला किंग, हाथी गुंफा विलेख, जैन भिक्षु जो थे, जो जैन जैन भिक्षु थे उनके लिए ये केव बनाया गया था। तो ये उदयगिरी की पहाड़ियां कहां पे हैं, आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इसमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा है, ये सब आंसर करते रहिए, इससे क्या होगा कि आप अपने आप को चेक भी करिए साथ में कि आपकी तैयारी कितनी है, 50 में से आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि यही तैयारी आपकी बताएगी कि आप एसएससी के लिए कितना तैयार हैं, या फिर अभी तैयारी की जरूरत है क्या, क्या अभी एसएससी के पैटर्न पे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप स्टैटिक पोर्शन पूरा छोड़कर सिर्फ करंट अफेयर पे लग गए, या स्टैटिक पोर्शन पे ही लगे हुए हैं करंट अफेयर छू भी नहीं रहे, यहां से आप देख रहे हैं सब जगह से पूछा जा रहा है, इसमें से काफी है, अभी 2 महीने पहले का पेपर है, यही एसएससी का पैटर्न होगा। तो इसका सही जवाब बताइए जल्दी से, सही जवाब हो जाएगा बायोमास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, बायोमास फॉसिल फ्यूल नहीं है, सही जवाब इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिफर्ड टू एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, किस व्यक्ति को 20वीं शताब्दी के डार्विन कहा जाता है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो डार्विन ने दिया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे इस व्यक्ति ने भी काम किया काफी ज्यादा, इसी वजह से इनको भी डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। तो कौन व्यक्ति है ये, हो जाएगा अर्नेस्ट मेयर। तो अर्नेस्ट मेयर, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे काफी काम किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टील प्लांट एट बोकारो वॉज सेटअप इन कोलेबोरेशन विथ, तो बोकारो स्टील प्लांट किसके कोलेबोरेशन से बनाया गया था, जल्दी से आंसर करिए, करण सही, अर्नेस्ट मेयर बढ़िया, हिमांशु ठीक है बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किसके बोकारो स्टील प्लांट किसके से बनाया गया था, जिसे जो कि 1991 में डिवाइड हो गया, हिंट था ये, आंसर करिए जल्दी से, सोवियत यूनियन, जो कि फॉर्मर यूएसएसआर, इसी के कोलेबोरेशन के साथ बनाया गया था बोकारो स्टील प्लांट। आज हमारे देश में बहुत सारे स्टील प्लांट है, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, बहुत सारे स्टील प्लांट है यहाँ पे, नहीं मानसो फ्रांस नहीं, यूएसएसआर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ द नियोलिथिक सेटलमेंट इज सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है, तो पाकिस्तान को कौन सा प्रांत है जहां पे ये मेहरगढ़ नवपाषाण काल बस्ती पाई गई है। मेहरगढ़, अगर आप एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले जाएंगे, तो मेहरगढ़ इसके बिना आपके एंशियंट इंडिया नहीं पढ़ा जा सकता, ये नाम जरूर आएगा। तो मेहरगढ़ कौन से रीजन में पाकिस्तान के, बलूचिस्तान, मैं बलूचिस्तान बोल रहा हूं, गिलगित बाल्टिस्तान नहीं बोल रहा हूं, यहां पर काफी कंफ्यूजन होता है, जब पाकिस्तान का मैप देखेंगे यहां पे जो ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ये गिलगित बाल्टिस्तान है, बलूचिस्तान नीचे पड़ेगा जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है, और जब
बलूचिस्तान सबसे नीचे है, जब इसके ऊपर जाएंगे सिंध आएगा, इसके ऊपर जाएंगे पंजाब आएगा, और इसके यहां जाएंगे गिलगित बाल्टिस्तान आएगा। तो ये पाकिस्तान का प्रोविंस है। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान। तो गिलगित बाल्टिस्तान नहीं, बलूचिस्तान सही आंसर। ये मेहरगढ़ यहां पे, जो कि मेनली एग्रेरियन सोसाइटी थी, यहां पे फूड ग्रेन्स के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, यूडर्मा मैकुलेटम इज द नेम गिवेन टू स्पॉटेड। स्पॉटेड क्या? अब यहां पे यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार, एक कौन सा चित्तीदार को ये नाम दिया गया है? अभी एक बलूचिस्तान, बिल्कुल सही गरिमा करण, बहुत बढ़िया डॉली, सही। तो अभी एक नई स्पीसीज खोज की गई जो चमगादड़ है, तो चमगादड़ का जो है उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट स्पॉट बने हुए हैं, वो इस नया डिस्कवर किया गया, तो उसी को यूडर्मा मैकुलम कहा जा रहा है। तो ये किस चीज की प्रजाति है? बैट। तो ये स्पॉटेड, व्हाइट व्हाइट चित्ती बनी हुई है, स्पॉटेड बैट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज कवर्ड इन द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, 11th शेड्यूल संविधान का कब ऐड किया गया संविधान में? हमारे संविधान कितने शेड्यूल हैं? इसका आंसर करिए जल्दी से। बलूचिस्तान सही, सुंदरम चतुर्वेदी ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज कवर्ड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत की भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल किस चीज को किया गया है? तो 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज, पंचायती राज है 11वीं अनुसूची, और 12वीं म्यूनिसिपैलिटीज है। इस पंचायती राज में टोटल जो सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट टॉपिक हैं। अब इन्हीं 29 में से एक क्या है? हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। अब ये 29 हमें रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं, या फिर एक बार इस लिस्ट को देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक ओवरव्यू सा बन जाएगा। तो यहां पे हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये 29 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका हेल्थ एंड सैनिटेशन है, जो कि 11th शेड्यूल, जो कि पंचायती राज है उसका पार्ट है। और इस 11th शेड्यूल को कब ऐड किया गया था संविधान में? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो संविधान के 11वें शेड्यूल को, संविधान के 11वें शेड्यूल को 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में संविधान में ऐड किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा हेल्थ एंड सैनिटेशन। यहां पे 100 out of 100 यहां ला पाना चीजें मुश्किल हो जाता है जीएस में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें स्कोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर डिड प्रिंस सलीम एसेंडेड द मुगल थ्रोन। निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? पहली बात तो हमें सलीम का रियल नेम पता होना चाहिए, कि सलीम को बाद में किस नाम से जाना गया। अगर ये आपको पता होगा तो आंसर आसानी से कर लेंगे। और इसके बाद ये पता होना चाहिए कि अकबर की मृत्यु कब हुई। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए जल्दी से। ठीक है डॉली, बढ़िया। तो अकबर की मृत्यु 1605 में, और उसके बाद उसी का बेटा जहांगीर उसकी गद्दी पर बैठता है 1605 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1605। इसका सही जवाब 1605। तो अकबर के बाद उसका बेटा सलीम आता है, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाएगा, जिसने की पेंटिंग को लेकर भारत में बहुत सारे काम किए थे। नेक्स्ट, व्हाट आर सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ लोअर एंड ऑफ द स्टेम ऑफ मेज एंड सुगर केन कॉल्ड। आपने देखा होगा, अगर कोई जो भी मक्के की फसल होती है, यहां पे उसके जड़ों पर इस तरह की रूट निकल आते हैं, तो इस रूट को बोलते क्या है? जो मक्के की फसल होती है तो उसके तने पर उसका जो स्टेम होता है, इस तरह की उसको सपोर्ट देने के लिए अलग अलग से जड़ें निकल आती हैं। इस रूट को क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट बोलते हैं इस तरह के जड़ों को। यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा अवस्तम जड़। नेक्स्ट,
हाउ मेनी टाइम्स हैज पाकिस्तान रीच द फाइनल ऑफ आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप? फाइनल इंडिया कह रहे थे फाइनल तक पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो जब ये वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, एक तो तभी पहुंच गया था, ठीक है, और फिर 1999 में। यहां पे दो बार पाकिस्तान, जिनको स्पोर्ट्स के बारे में काफी पता होगा, जिनको क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, शायद वो इसका आंसर कर पाएंगे, और उनको ये भी पता होगा किस टीम ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता, सारा आंसर उनको क्लियर होगा पहले से। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। बहुत बढ़िया हिमांशु, सही, ठीक है ठीक है। स्टिल्ट आकाश, बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश अनटचेबिलिटी? तो मतलब जो अस्पृश्यता को खत्म करने का कौन सा आर्टिकल है संविधान का, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? संविधान के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आर्टिकल में से एक है ये, संविधान के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आर्टिकल में से एक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें कि गांधीयन आइडियोलॉजी आती है। कौन सा आंसर होगा इसका, जल्दी आंसर करिए। अमित कुमार, इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। और 1717, ठीक, तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। अगर यहां पर आपको आर्टिकल 17 नहीं पता था, मतलब आपकी पॉलिटी सही नहीं है, आपको और अच्छा करना पड़ेगा, और ये चीजें मैं आपको बाद में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीज कराऊंगा। और यहां पे एक भी ऐसी चीज पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री का नहीं होगा जो यहां से आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाए और बने ना आपका। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका आर्टिकल 17। अब ये डीपीएसपी में पांच पांच आर्टिकल में एक एक घंटे लग जाते हैं, तो यहां पे एक एक आर्टिकल को डिस्कस कर पाना भी संभव नहीं है, तो बस यहां पे आर्टिकल 17 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स और मंत्राचार नोन एज, तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर करिए इसका। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, आर्टिकल के 19 के बहुत सारे सब क्लॉज भी हैं, बहुत बढ़िया गरिमा, ठीक है। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? संहिता। तो संहिता, यहां पे जो कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स होते हैं उसको संहिता बोलते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा संहिता। अब इसको करते रहिए, आपको जो आंसर नहीं पता है, हो सकते यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए आपका आने वाले एग्जाम में, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो चाहे अदर एग्जाम हो, क्योंकि यही सब कहां से नए नए क्वेश्चन बनाएंगे, कॉपी पेस्ट ही होता है, तो यही काम करेंगे, हो सकते यही चीज आपको आने वाले एनटीपीसी वाले एग्जाम में डायरेक्ट यही छपा हुआ मिल जाए। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज रामलीला इंस्क्राइब ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? दो तरह की चीजें होती हैं, एक टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल होती हैं जो कि स्थिर होती हैं, अपनी जगह पर स्थापित रहती है, जैसे कुतुब मीनार टेंजिबल हो गया, लाल किला टेंजिबल हो गया। इनटेंजिबल वो होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बस ये ऐसे ही होती है, जैसे मेला हो गया, कोई लोगो हो गया, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये इनटेंजिबल की बात कर रहा है रामलीला। इसका सही जवाब क्या होगा? अब यूनेस्को की इतनी लिस्ट याद कर पाना तो थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो कभी ना कभी अगर यहां पूछा गया तो कहीं कहीं और मिलेगा आपको। सही जवाब इसका 2008। बहुत बढ़िया सुंदरम, 2008 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्शन एट डिस्टेंस स्पोर्ट्स? अब यहां पे निम्न में से कौन सा एक एक्शन है डिस्टेंस बल है? M1, M2, 1 R² फॉर्मूला पता ही होगा, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया डॉली अमित, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। आधार कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, यहां पे
आधार कार्ड के लिए कौन जिम्मेदार? यहाँ पे यूआईडीएआई। तो ये किस यूआईडीएआई किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, स्टेचुटरी अथॉरिटी। तो बस स्टेचुटरी का मतलब क्या होता है? यहां पे दो चीजें देखेंगे आप, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचुटरी। हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं जिसका मेंशन संविधान में किया जाता है, जैसे यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब मैंने यहां पे स्टेचुटरी बोल दिया, इसका मतलब इसका संविधान से लेना देना नहीं है। स्टेचुटरी बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए कानून के द्वारा बनाया गया है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्ट के द्वारा बनाया गया है, उससे स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं। अब एक कुछ बॉडी ऐसी भी होती हैं जो ना स्टेचुटरी होती हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। तो ऐसी बॉडी को, जैसे कि एग्जांपल इसका क्या है, नीति आयोग। क्योंकि नीति आयोग ना तो पार्लियामेंट के बनाए कानून से बना है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, इसलिए एक इसे थिंक टैंक बोलते हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव ने साइन करके इसे बना दिया नीति आयोग, तो नीति आयोग थिंक टैंक है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टेचुटरी है। तो ये आप इसमें सही जवाब क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां पे ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑयल सीड्स। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, डेली सुबह सुबह खाते हैं हम लोग, थोड़ा हेल्दी होता है, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सुंदरम, सुभाष बिल्कुल सही जवाब, वीरेन सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा? कॉमन सेंस लगाना है, डी बिल्कुल सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओट्स। तो ओट्स होता है, ये ऑयल सीड्स की कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि वीट का बनता है, वीट कौन सा ऑयल सीड्स है, इसलिए ओट्स हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन नौधन्य मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन 1987 बाई। वन संरक्षण के संदर्भ में नवज्ञा आंदोलन, नवज्ञा आंदोलन 1986-87 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहली बात, ये जो नवधन्या है इसका मतलब होता है नाइन क्रॉप, इसका मतलब ही होता है नाइन क्रॉप। ये जनरली फूड सिक्योरिटी के लिए, सीड के प्रिजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, मतलब इन सब चीजों के प्रोडक्शन के लिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ये मूवमेंट काम करता है। और इसकी जो लीडर है, जो इसकी हेड है, उनका नाम क्या है? वंदना शिवा। तो इसका हेड वंदना शिवा। ये नाइन क्रॉप जो ये नौधन्य है, ये किसके लिए काम करता है? मेन फूड सिक्योरिटी के लिए मेनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूप साइट इज नॉट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। चौखंडी स्तूप सुना ही होगा, वाराणसी। धामेक स्तूप सुना होगा, रामभर स्तूप सुना होगा। ये तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में है, तीनों के तीनों स्तूप उत्तर प्रदेश। तो स्तूप किस रिलीजन से रिलेटेड है? स्तूप किस रिलीजन से रिलेटेड है? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या जैनिज्म? इसका आंसर करिए आप लोग जल्दी से, स्तूप किससे रिलेटेड है? और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भरहूत का। भरहूत स्तूप जो है यहां पे, ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। तो भरहूत मध्य प्रदेश में पड़ेगा, इसका सही जवाब डी। बहुत बढ़िया वीरेन, अमित बढ़िया, सुंदरम सही जवाब, करण ठीक। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल हैव हर्ट चैम्बर। तो क्रोकोडाइल में कितने हर्ट चैम्बर होते हैं? ये तो बाय क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो क्रोकोडाइल कितने हर्ट चैम्बर हैं? जल्दी से इसका आंसर करिए, पढ़ रखा होगा आपने सब। बुद्धिज्म, बहुत बढ़िया आयुष, अमित बहुत बढ़िया। तो बुद्धिज्म, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा बताइए? मगरमच्छ में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? चार। तो टोटल फोर हार्ट चैम्बर होते हैं मगरमच्छ में। नेक्स्ट, इन विच समर ओलंपिक गेम्स डिड पीटी उषा मिस द ब्रॉन्ज मेडल बाई 0.01 सेकेंड इन द वोमेन 400 मीटर हर्डल रेस। तो इसका आंसर बताइए,
हर्डल रेस क्या होते हैं, बीच बीच में ऐसे ऑब्स्टिकल रखे रहते हैं, इनको जंप कर करके रेस लगाना पड़ता है। हिंट के तौर पर मैं आपको यह बता रहा हूं, ये वही ईयर है जिस समय इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कब हुआ था, इसके आपसे अगर वो आपको पता होगा तो यहां पर आंसर आप गेस कर सकते हो। तो जल्दी से आंसर करिए इसका, इसका आंसर हो जाएगा 1984। तो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी थी, तो इसी समय पीटी उषा ने 0.01 सेकेंड से ओलंपिक में मेडल मिस किया था। यह इसका आंसर हो जाएगा 1984। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनएक्टेड इन इंडिया, तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, कांग्रेस ने जाते जाते ये काम करके गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, और मैंने इतना बोला तो शायद आप गेस कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कानून अभी आए, पहले भी कानून आते रहे हैं। तो आप इसका सही जवाब क्या होगा, हाँ देसी नॉलेज बहुत बिल्कुल सही, तो इसका सही जवाब होगा 2013। तो 2013 की अगर बात किया जाए तो 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट को इनैक्ट किया था। अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्म बिल को रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, तो यहां पे अगर इस तरह के क्वेश्चन बन रहे, देखो फार्म बिल चल रहा था तो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन बन गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इस तरह की चीजों को याद रखें, 2013 में इसको इनैक्ट किया गया था, लागू किया गया था। साल्पेटर इज अनदर नेम फॉर, तो सोरा का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए इसका आंसर करिए। तो सोरा का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सही जवाब होगा, जिसे सोरा का दूसरा नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट रोट अंडर द पेन नेम निराला, जितने लोग भी हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे शायद ही वो ऐसा होगा जिसने इनका नाम न सुना हो, हर कोई इसका नाम बता सकता है पढ़कर बस, क्योंकि उनकी कविता का जब हम पढ़ते थे तो उसको पूरा नाम ही पढ़ते थे और वो हमेशा अपने नाम के आगे एक निराला वर्ड जोड़ते थे। तो सभी को पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हम सभी ने इनकी कविताएं पढ़ी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके लिए तो हमें अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। बिल्कुल विजय सही जवाब, वीरेन ठीक, सुंदरम ठीक। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया द हर्टॉग कमेटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, जब देखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 कुछ खास काम नहीं कर रहा है तो एजुकेशन सेक्टर के लिए एक नई कमेटी बुलाई गई, एक नई कमीशन बनाया गया, उसमें उस कमेटी बनाया गया, कमेटी का नाम क्या था, हर्टॉग कमेटी। तो हर्टॉग कमेटी किससे रिलेटेड है, एजुकेशन के रिफॉर्म से रिलेटेड है, यहां पे एजुकेशन इसका सही जवाब हो जाएगा, यहां पे शिक्षा इसका सही जवाब होगा, तो यहां पे आपका ये सही आंसर हो गया। तो इस तरह से इस 50 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं स्टैटिक्स से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब ऐसा नहीं कि आप जीएस की क्लास कर रहे हैं, तो जीएस कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे लगे हुए हैं, हो सकता है आप एग्जाम में जाएं, हो सकता है करंट अफेयर 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर मिले, 30 क्वेश्चन आपको स्टैटिक पार्ट मिले, या करंट अफेयर हो सकता है 10 ही क्वेश्चन मिले। तो कुछ सेक्शन पे आपको फोकस करना है, करंट अफेयर पे ब्लाइंडली फोकस नहीं करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं दो दिन से डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन डिस्कशन, पिछली क्लास में भी किया था आज भी किया, तो मैं देख रहा हूं बुक एंड ऑथर से हर एग्जाम में लगभग दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दो क्वेश्चन मतलब चार नंबर हो गया। अब यहां पे रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहां पे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हर इसमें पूछ लिए जा रहे हैं, करीब दो क्वेश्चन करीब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स हो गया और ये सब, डेज एंड थीम्स, इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो कुछ ना कुछ जो स्टैटिक पार्ट है, चाहे वो हिस्ट्री से कनेक्ट करके पूछ ले रहे हैं या फिर करंट से कनेक्ट करके पूछ ले रहे हैं, तो करंट से भी काफी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। और यहां पे देख रहे हैं 2020 का क्वेश्चन है और यहां पे 2008-08 से 2013-13 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो यहां पे आपको ये सब चीज ध्यान देने वाली बात है, स्टैटिक पार्ट आपको कभी निराश नहीं करेगा, स्टैटिक पार्ट आपने अगर कवर कर लिया तो नंबर आपको दिलाकर ही रहेगा,
लेकिन करंट अफेयर में हो सकता है आज का आपने 1 साल का पढ़ा और यहां पे 2-2 साल पहले का पूछ ले रहे हैं, यहां पे आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आप करंट अफेयर पे टॉपिक टॉपिक वाइज जितना जरूरी है उतना ही पढ़िए। यहां पर अगर आप यूपीएससी की तरफ पढ़ाई करने लगे तो ना आपका यूपीएससी होगा ना एसएससी होगा। अगर तैयारी एसएससी करें तो एसएससी की तरफ रहिए, यूपीएससी की तैयारी करिए तो यूपीएससी की तरफ रहिए, डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि होता है कि जीएस पढ़ने लगते हैं, ज्ञानी बनने लगते हैं और एसएससी से शिफ्ट करते करते कब यूपीएससी पहुंच जाते पता ही नहीं चलता। और जब यूपीएससी की अब लगता है कि नहीं अब यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करते रहे, जब वहां पर कुछ समय तक नहीं हुआ फिर लगता नहीं एसएससी, तब तक जब एसएससी की तरफ आएंगे या मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सब भूल चुके हैं। तो इस तरह से नहीं करना है, आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट पढ़ाई करना है, बिल्कुल ज्ञानी नहीं बनना है, जितनी चीजें जरूरी है बस उतना पढ़ना है। क्योंकि यही पॉलिटी हम सिविल सर्विसेज में पढ़ते हैं, यही पॉलिटी हम एसएससी में भी पढ़ते हैं, तो फिर अंतर कुछ तो है, तब तो दोनों का लेवल अलग है, तो बस उसी लेवल को ध्यान में अपने रखना है। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो जरूर सिलेक्शन होगा और यही मेरा गाइडेंस है। तो हर दिन मैं करीब 3 बजे ही मेरा डेली 50 क्वेश्चन का सीरीज आता रहेगा और कम से कम आप इसको अटेंड करके आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो 50 क्वेश्चन कम से कम आपके माइंड में रहेगा, डिस्कशन से की हुई चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, तो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाने के बाद काफी कुछ आपका तैयार हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, एक बार 4:30 बजे फिर से मैं लाइव होऊंगा और इस बार फार्म बिल का डिस्कस करूंगा। एक बार फार्म बिल का जो डिस्कशन मैं करूंगा, आप भी आप अपने आप को देख लीजिए कि आपने फार्म बिल अभी तक क्या क्या चीज समझा है, कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो फार्म बिल काफी कंट्रोवर्शियल चीज है, तो मैं ऐसी जगह जो कंट्रोवर्शियल होगी उस पर थोड़ा मैं कम ध्यान दूंगा। बाकी इस बिल में है क्या, प्रॉब्लम क्या रही है, क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा 4:30 बजे और काफी अच्छी क्लास होने वाली है उसमें। उसके बाद फार्म बिल से रिलेटेड आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा 4:30 वाले सेशन में। तो मिलते हैं फिर से 4:30 बजे। धन्यवाद।